भाइयों और बहनों, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आठ वर्ष पहला तमें बधाय मने विदाय आपी थी। परंतु तमारो प्रेम वधतो ज जाय छे। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए ये जो सब बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। पूज्य बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जो हर गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, उन सबको सशक्त करे, जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन पद्धति का हिस्सा बने, जिसका अर्थतंत्र स्वदेशी समाधानों से समर्थ हो। साथियों, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है। प्रमाण साथियों,